हेलो गाइस, आप लोग आ गए। सो हे व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था, मैं ग्रैनी के हाउस के अंदर गया था। अरे मतलब वो भूतिया हाउस। रुको, आपको दिखाना ही पड़ेगा जाके कौन सा हाउस था, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। Oh, no. अरे वैसे गाइज, आपको याद नहीं है क्या कि मैं कौन सा हाउस में गया था? अरे वही वाला ग्रैनी वाला हाउस जो भूतिया हाउस था। अरे वीडियो देखी होगी तब याद आएगा ना। जल्दी जाके वीडियो देखे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, या फिर मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं वो वीडियो। तो चलो अभी सबसे पहले मैं उस घर पे चलता हूँ और शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। वीडियो भी बाद में देख लेना इस वीडियो के बाद। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाला वो घर था, वो हॉन्टेड हाउस। सो गाइस, इस वाले हॉन्टेड हाउस के अंदर मैं गया था और इस घर के अंदर रात को एक भूत आती है। सो गाइज, वो ग्रैनी वाली भूत है। तो मैंने ये घर खरीदा था 10,000 रुपये में। तो गाइज, आज फिर मैं इस घर के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन एकदम वेल प्रिपेयर्ड। तो गाइज, मैं क्या करने वाला हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ। पूरा अच्छे से जाऊँगा मैं इस घर के अंदर आज। तो सबसे पहले मैं अपने घर चलता हूँ, क्योंकि इस घर के अंदर रात को ही जाऊँगा मैं। तो गाइज, अब मैं पूरी प्लानिंग के साथ इस घर के अंदर घुसूंगा। गाइज, अब मैं इस घर के अंदर घुसूंगा और वो भूत था उसको खुद मैं डराऊंगा और फिर उसके घर के दरवाजे से बाहर आऊंगा। पिछली बार तो मुझे भागना पड़ा था, लेकिन इस बार उस भूत को मैं भगाऊंगा। तो चलिए अभी सबसे पहले घर चलता हूँ और प्लानिंग करता हूँ कि उस भूत को कैसे और क्या क्या करके उसके घर के अंदर से उसे भगाना है। चलो अभी मैं अंदर चलता हूँ अपने घर के और प्लानिंग करता हूँ शांति से। चलो अभी मैं प्लानिंग करता हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को फिर रात को ही मिलता हूँ गाइस। 2 hours later। चलो फुल कंप्यूटर में बैठ के मैंने प्लानिंग कर ली है। अब चलो चलता हूँ उस भूतिया घर के अंदर और फिर उस ग्रैनी को बताता हूँ कि कौन है वो बंदा जिससे उसने पंगा लिया है। चलो निकलते हैं उस ग्रैनी वाले घर के अंदर। तो आ चुका हूँ मैं उस घर के पास। अब मैं चलता हूँ उस घर के अंदर। सबसे पहले कार को खड़ी करता हूँ यहाँ पर, और चलो चलो कार को खड़ी कर दिया मैंने यहाँ पर। चलो अब चलते हैं इस घर के अंदर, अब बताता हूँ उस ग्रैनी वाली भूत को। चलो चलते हैं अंदर। चलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं उसी घर के अंदर आ चुका हूँ वापिस से। अब बताता हूँ उस ग्रैनी को कौन उसके घर के अंदर आया है। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा उस ग्रैनी के घर का दरवाजा कहाँ है बाहर निकलने का। ये वाला दरवाजा ना, इसी से बाहर निकलूंगा। चलो अभी नीचे चलता हूँ और गाइस, ये आ चुका हूँ नीचे, और यहीं पे पिछली बार उस ग्रैनी ने मुझे डराया था ना, इस बार मैं उसे मारूंगा। सबसे पहले मुझे उसे डराने के लिए एक मास्क पहनना पड़ेगा। कौन सा मास्क पहनूं? A few moments later. तो चलो गाइज, आप देख सकते हैं इविल नन बन चुका हूँ मैं, और गाइज अब उस ग्रैनी को बताऊंगा। सो गाइज, ये देख सकते हैं इविल नन आ गई। ले ग्रैनी ले। गाइज देख सकते हैं ग्रैनी मर चुकी है। मैंने इविल नन का मास्क पहन लिया था ना, तो ग्रैनी मर गई। चलो गाइज, अब निकलने का इंतजाम करते हैं इस ग्रैनी के घर से। पहले मैं मास्क तो उतार दूंगी। चलो गाइज, बन चुका हूँ मैं वापस से। तो चलो अभी सबसे पहले मुझे इसके घर से निकलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले देखता हूँ क्या क्या पड़ाव मिलता है मुझे। इधर देख सकते हैं गाइज, अभी मुझे हैमर मिला है। चलो गाइज, देखते हैं अभी इस हैमर का क्या काम है। तो अभी सबसे पहले यहाँ आता हूँ और ये शायद यहाँ से मैं कुछ तोड़ सकता हूँ। सो गाइज, ये देख सकते हैं गाइज, ये चीज़ टूट गई। चलो अभी इस हैमर का कुछ काम नहीं है। चलो गाइज, और कुछ देखते हैं। अरे स्क्रू, ये पड़ा है यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर। चलो इसका देखते हैं क्या काम है। देख सकते हैं गाइज, स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है। चलो देखते हैं अब इस स्क्रू ड्राइवर से हम क्या कर सकते हैं। सो गाइज, अब जाता हूँ मैं उस दरवाजे के पास और स्क्रू ड्राइवर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे गाइज, स्क्रू ड्राइवर का तो कुछ काम ही नहीं था। चलो कुछ और ढूंढते हैं। देख सकते हैं गाइज, ये क्या मिला है मुझे। चलो देखते हैं अब इसका क्या काम है। चलो चलते हैं, ये काट के देखते हैं। नहीं, ये भी नहीं कट रहा। अरे देख सकते हैं, ये कटा यहाँ से कुछ। चलो गाइज, अब देखते हैं और क्या काम है। गाइज, ये देख सकते हैं यहाँ पर की पड़ी हुई है एक, इससे देखते हैं क्या होता है। चलो गाइस, चलते हैं उसी दरवाजे के पास और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस की का। मुझे लगता है शायद ये ऊपर लगती होगी। चलो यहाँ लगा के देखते हैं। अरे ये देख सकते हैं, यहाँ से ये खुल गया। और अब देखते हैं अब और कुछ मिलता है। तो चलो चलो चलते रहते हैं। तो गाइस, मिल तो कुछ रानी है। चलो नीचे चलते हैं। अरे ये ग्रैनी वापस आ गई। कोई बात नहीं, मैंने भेस बदल लिया, ये ग्रैनी मुझे बताएगी। ये ग्रैनी पड़ ही रहा अब यहाँ से। चलो दोबारा भेस बदल लेता हूँ अपना।
चलो चलते हैं। अरे यहाँ देख सकते हैं गाइस एक की पड़ी है, उठाते हैं। चलो ये लगता है आखिरी की है, इससे अब दरवाजा खुल जाएगा। चलो गाइस चलते चलते जल्दी जल्दी खोलते हैं। मैंने ग्रैनी को दो बार भी मार दिया, मजा आ गया। अबे ये फिर जिंदा हो गई ग्रैनी, इसको फिर मारना पड़ेगा आखिरी बार। चलो कोई बात नहीं ग्रैनी बेटा, आ जाओ मार खाने के लिए। ये ले मर गई। चलो मर चुकी है, अब दोबारा से की उठाते हैं, अब लेके चलते हैं इस की को और आखिरी दरवाजा खोल लेते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ से ग्रैनी के घर से। ये खुल गया, देख सकते हैं गाइस ये आ गए हम ग्रैनी के घर से बाहर। सो गाइस ये हॉन्टेड हाउस भी हमने पार कर दिया, मजा आ गया गाइस। ग्रैनी के घर से बाहर निकलने में मजा आया ना जो, गाइस किसी चीज में वो मजा नहीं है। तो चले गाइस, जैसे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कभी इस ग्रैनी वाले घर के अंदर गए हैं। तो गाइस वैसे आज के लिए बस इतना ही, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।